हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लेकर के आए हैं एक बेसिक सा टॉपिक आपके लिए, जहां हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग वर्ड अपने आप में ही एक अलग वर्ड की तरह आपको कई बार दिखेगा कि कॉस्टिंग के बारे में कर लो, कॉस्टिंग कर लो, बट यहाँ पर एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उससे कैसे ये वर्ड डिफरेंट है या फिर जो है डिफरेंट है या इनका मतलब क्या है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जहाँ पर बात हम करते हैं कॉस्टिंग की, सबसे पहले तो ये दोनों ही वर्ड आपके यहाँ पे किससे कंसर्न है, ये दोनों ही वर्ड कंसर्न है आपके कॉस्ट से, कि आपके प्रोडक्ट के, आपके सर्विसेज के कॉस्ट कितनी है, कितना पैसा आपको कॉस्ट आपको लग रहा है। सो इट इज़ कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड ऑल्सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सच कॉस्ट। यानी कि यहाँ पे ये जो आपके दोनों वर्ड हैं, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों ही आपके कंसर्न है किससे, कॉस्ट से, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सर्विस की कॉस्ट कितनी है, और साथ ही साथ प्लानिंग से, कि इनकी जो कॉस्ट आ रही है उसको कैसे प्लान करना है, कितना कॉस्ट आएगा उसके बारे में पहले से ही प्लानिंग करना और साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना। अगर कोई कॉस्ट आपकी आउट ऑफ पॉकेट जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो कॉस्ट लग रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज़ योर रिलेटेड विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ कॉस्टिंग की अगर बात करें, ओनली ऑन कॉस्टिंग, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो एक टेक्निक के तौर पे या फिर एक प्रोसेस जो कि आपका क्या है, असेंटेनिंग कॉस्ट। यानी कि कॉस्टिंग जो है डिफाइन कर सकते हो आप कि भाई ये एक टेक्निक है या प्रोसेस है जहाँ से जो है असेंटेन किया जा सकता है कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी सर्विस। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग जो है इसका सिंपली मतलब होता है कॉस्ट फाइंड आउट करना बाय मैनी प्रोसेस और एनी प्रोसेस और टेक्निक्स। जैसे कि आपका आपके किसी प्रोडक्ट को बनाने में कई सारे प्रोसेस लग रहे हैं, या फिर आपकी जो है आप सर्विस देते हो, तो यहाँ पे हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के फिर उसको काम करा रहे हो एंड देन किसी और के ऊपर स्विच कर रहे हो, दूसरे कस्टमर का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कॉस्टिंग करते हो। यहाँ पे जो है कॉस्टिंग सिंप्लीफाइड आप कह सकते हो कि भैया कॉस्ट फाइंड आउट करना किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसेस से और टेक्निक से। यहाँ पे आपके जो है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इंक्लूड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगा एंड एक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब वहीं पे दूसरी जगह होता है एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग एंड मार्केटिंग एंड यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर और ऑफ कैरिंग आउट द पर्टिकुलर जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस करना जनरल प्रिंसिपल्स का, जो आपकी अकाउंटिंग के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको आप अप्लाई करते हो ताकि आप जो है कॉस्ट असर्टेन कर सको। जो आपको कॉस्ट लग रही है किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में, प्रोड्यूस करने में या फिर मार्केट करने में एंड उस यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में या फिर उसको कैरी आउट करने में किसी एक पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम मिलते हैं उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ इंक्लूड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जहाँ पे मतलब होता है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हो, जनरल प्रिंसिपल्स का प्रयोग कर रहे हो ऑफ अकाउंटिंग का, किसके लिए, आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग या फिर ये सारी चीज़ों के कॉस्ट को जानने के लिए। ठीक है, ऊपर का मतलब था कि सिर्फ आप जो है कोई भी टेक्निक यहाँ पे कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कॉस्ट निकालने के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग में मतलब हो जाता है पूरा एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन आप निकाल रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।